नेपाल में इस समय लहार विधानसभा क्षेत्र के दमो थाना परिसर में मौजूद हूँ, जहाँ हमारे साथ फिर वही शख्सियत से मुलाकात होगी जिसने सबसे पहले जब दमो थाने का चार्ज लिया था तो ये लक्ष्य एक संकल्प लिया था कि हमारा मुख्य लक्ष्य है कि दमो में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो। आखिरकार वही घड़ी आई और दमो में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। जी हाँ, मैं उस शख्सियत की बात कर रहा हूँ, दमो थाना प्रभारी नवीन सिंह यादव जी की। नवीन यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी। धन्यवाद यादव जी। जिस प्रकार से जब आपसे हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था कि हम इस लक्ष्य को लेकर चले हैं कि जो विधानसभा चुनाव है वो यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से हो। आखिरकार आप पास हुए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई थी विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर माह में जी। उस समय यहाँ आए तो एक ही लक्ष्य था कि किसी भी प्रकार से इस लाहौर विधानसभा में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान हो, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के लगातार दिए गए मार्गदर्शन से और मेरे और स्टाफ के सहयोग से और यहाँ की दबों की जनता के सहयोग से लगातार मेहनत करते हुए इस बार ऐतिहासिक, पूरे भिंड जिले में ही ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव हुए हैं जो शांतिपूर्वक और बिल्कुल निष्पक्ष रहे हैं, जो अपने आप में एक उपलब्धि है भिंड पुलिस के लिए। और बाकी उसके बाद लगातार आगामी, और हमारी दृष्टि है आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में कि वो भी शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। यादव जी, क्या कहेंगे, क्या अनुभव देखा आपने जब हमें यहाँ पहली बार आप यहाँ पर आए थे, यहाँ के लोगों का, यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा, कैसे फील किया, कितना चैलेंज मान रहे थे आप? यहाँ पर वैसे जनता बाकी शांतिपूर्ण है, लेकिन कुछ गांव और कुछ पार्टी बंदी थी, जैसा लगता था कि चुनाव के समय कुछ झगड़ा हो सकता है, लेकिन पुलिस ने पूरी सावधानी बरतते हुए कार्रवाई करी और ऐसे लोगों को चिन्हित किया, उन पर कार्रवाई करी जिससे कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो सके और इस प्रकार के लोग जो इस प्रकार उद्दंडतापूर्वक कार्रवाई कर सकते थे चुनाव के समय, उन लोगों को या तो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके जेल भेजा गया या जिले से बाहर किया गया उनको जी। तो ये बड़ी सफलता यहाँ पर नवीन यादव जी की रही है और उन्होंने उन गाँव को चिन्हित कर दिया था, उन लोगों को चिन्हित कर दिया था जो विवाद कर सकते थे, उस पर उन्होंने सावधानी बरती और आखिरकार उन्हें सफलता मिली। सबसे बड़ी दबों में जो कमी देखी जा रही थी वो यहाँ पर कई गांवों में चरस गांजा जैसी तमाम प्रकार की भ्रांति समस्याएं थी, लोग युवा लोग नशे की गिरफ्त में थे, इस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाने में नवीन यादव जी सफल हो पाए हैं, क्या कहेंगे? पूर्ण तरीके से आप बंद हुआ है कि अभी चल रहा है कहीं गाँव में? इस प्रकार की सूचना कभी कोई मिलती थी, कुछ लोग इसका सेवन कर रहे हैं, इस संबंध में कई बार सूचना मिलती थी, मौके पहुंचाते थे, लगातार पुलिस चेकिंग करती थी, लेकिन ऐसा कहीं भी कुछ लोग नहीं मिल पाए जो ऐसा सेवन करते थे, लेकिन फिर भी लगातार पुलिस का प्रयास है कि ऐसे लोगों को मिलें और उनके ऊपर कार्रवाई करें जी। तो यादव जी, आप कौन से बैच से आए हैं और आपके जीवन का जो लक्ष्य था वो जनसेवा करना, आपने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की, तो क्या सपना था आपका पहले से? मैं 2007 का बैच का हूँ और जब पुलिस में भर्ती हुआ तो मुझे ऐसा लगता था कि एक पुलिस ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा पीड़ित की तुरंत मदद की जा सकती है। पुलिस के पास जो भी आता है, एक पीड़ित आता है, एक आशा लेकर आता है कि हमारी सुनवाई होगी और हमारी समस्याओं का हल करेंगे, तो एक बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है पुलिस की, जिससे जनता को तुरंत और पीड़ित की तुरंत हम समस्या का निवारण कर सकते हैं, उससे एक अलग आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है जो अपने कारणों से होती रही है। और हमारा हमेशा प्रयास रहा है, पुलिस की लगातार नकारात्मक छवि चली आ रही है अपने कार्यों से, और ये प्रयास रहेगा कि है ना जनता में पुलिस की छवि अच्छी बने और जनता वे हिचक पुलिस के पास आए और हमसे संवाद करें, अपनी समस्याओं को बताएं, जिससे कि हम उनकी समस्याओं को और अच्छे तरीके से समाधान कर सकें। एक ज़माना हुआ करता था तब पुलिस की दहलीज पर लोग आने से कहीं ना कहीं उनके पैर लड़खड़ाते थे, लोग डरते थे कि हम पुलिस के पास पहुंच रहे हैं तो पता नहीं क्या हमारे साथ हो सकता है, तो किसी बिचौलियों को लेकर के आते थे। अब वो माहौल पर पूर्ण रूप से रोक लग चुकी है, तो क्या प्रजाएँ मानी जा रही है? हाँ, इस संबंध में जो पुलिस की छवि थी, इस समय लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के परवाने और आदेश प्राप्त हुए हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के भी आदेश कई प्राप्त हुए हैं, जिनके माध्यम से लगातार उनके द्वारा कहा गया है कि गणमान्य नागरिकों की मीटिंग लिए, गांव-गांव जाकर आम जनता से संवाद करें, उनकी समस्याओं को समझें और हर संवाद शांति समिति की मीटिंग लें। इससे ये हुआ कि पुलिस में अच्छा संवाद, जनता और पुलिस के मध्य एक अच्छा संवाद हुआ, अच्छी पहल हुई कि लोग बिना हिचक अपनी बात थाना प्रभारी को और वरिष्ठ अधिकारियों को बताने लगे हैं। इससे ऐसे लोग जो उनको फ़ायदा उठाते थे पुलिस का डर का, ऐसे इन लोगों में कमी आई है, अब डायरेक्ट वो अपनी समस्या पुलिस को बता सकते हैं जी।
तो आखिरी सवाल हमारा, हमारे आपकी अदालत में उसके 14 लाख दर्शक आपको देख रहे हैं, दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे पुलिस की तरफ से, ताकि एक अच्छी पुलिसिंग के द्वारा एक अच्छा मैसेज पुलिस की तरफ से जनता को जाए। मेरा ये कहना है कि लोगों से कि एक आप अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करें, आप अच्छा नागरिक बनेंगे तो एक राष्ट्र को हमारा उन्नत करेगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण मैसेज है मेरी तरफ से, वो यातायात नियमों को लेकर है। हमारे देश में इतनी अधिक मृत्यु हो रही है, वो ज़्यादातर एक्सीडेंट के कारण होती हैं, जिसमें लोग यातायात के नियम का पालन ना करते हैं और लापरवाही पूर्वक अपनी गाड़ी चलाते हैं, जिससे कि वो अकस्मात दुर्घटना का शिकार होकर मृत्यु के काल में समा जाते हैं, जिससे उनका परिवार पीछे रह जाता है और उसको बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। मेरे लोगों से यही अपील है कि गाड़ी चलाते समय, चाहे मोटरसाइकिल चलाएं या फोर व्हीलर चलाएं, यातायात के नियमों का अच्छी तरह पालन करें। ये सोचें कि हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें घर पहुंचना है, कोई हमारा इंतजार कर रहा है, हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, हमारे माता पिता इंतजार कर रहे हैं, हम सुरक्षित घर पहुँचें। तो ये थे नवीन यादव जी, इनका कहना है कि यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि आपका भी एक हरा भरा परिवार है और इस हरे भरे परिवार को देखते हुए हमें सारे यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें, कार चलाते समय बेल्ट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ताकि हम यातायात नियमों का पालन करते हुए दुर्घटनाओं से बच सकें। तो ये थी नवीन यादव जी की आवाज़, और चाहूँगा 14 लाख दर्शकों तक नवीन यादव जी की आवाज़ पहुँचे और यातायात नियमों का पालन करने में आप पुलिस का सहयोग करें। नमस्कार।